पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बताते चले, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त ब्लॉकों में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार प्रभारी मंत्री नीलिमा कटियार ने विकास खंड महिवा के मदारी सिंह मुजारी इंटर कॉलेज महिवा में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। उन्होंने सर्वप्रथम विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। तत्पश्चात माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और जिन्होंने पूरे देश को, भारत को सुशासन से परिचित कराया था और इस कारण से सुशासन दिवस के रूप में हम आज इस दिवस को मनाते हैं। तो आज सुशासन दिवस के अवसर पर आपके इस चैनल के माध्यम से सभी जो इस चैनल को देख सुन रहे हैं, मुझे देख सुन रहे हैं, आप सबको सुशासन दिवस की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है और इस सुशासन दिवस को चरितार्थ करते हुए, सिद्धता इसमें लाते हुए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जिन योजनाओं की आधारशिला रखी थी, उन योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से जनहितकारी, लोकहितकारी, कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि की सातवीं किस्त, और मैं सभी सम्मानित अपने किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सातवीं किस्त के रूप में हमारे 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की धनराशि को सीधे एक बटन के माध्यम से भ्रष्टाचार रहित पारदर्शी व्यवस्था से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उन सम्मानित किसान भाई बहनों के अकाउंट में सीधे 2,000 रुपये की धनराशि 9 करोड़ किसान भाई बहनों को आज समर्पित हुई है। उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस सुशासन दिवस की बहुत बहुत इस चैनल सभी चैनल जो देखने सुनने वाले हैं उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे केंद्र की सरकार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हो, चाहे प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली हो, हमारे जो अन्नदाता हैं, जो हमारी अन्नपूर्णा माता किसान बहनें हैं, इनकी तपस्या का प्रतिफल देने वाली और इनको सम्मान करने वाली और किसान भाई बहनों के सम्मान को वरीयता में रखने वाली सरकारें हैं, जिस प्रकार के कार्यक्रम, जिस प्रकार के योजनाएं न सिर्फ वर्तमान समय में लाभकारी हो बल्कि भविष्य की किसानी भी कैसे हमारी सुरक्षित हो, इस ओर समर्पित हो सारी योजनाएं हैं। आज जिस प्रकार के देश के अंदर पंचायतों के चुनाव के निर्णय आए हैं और जहां ये धरना प्रदर्शन विभिन्न राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए केवल और केवल झूठ की बातें करते हुए आज भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है और उनका वाक्य था सत्यमेव जयते। आज उस वाक्य को, उस मालवीय जी के सम्मान को जिन्होंने और भारत की जो मूल संस्कृति है उसको भी ये राजनीतिक दल सिरे से नकार रहे हैं, केवल भ्रांति और झूठ फैलाने की राजनीति, क्योंकि लोकशाही में जनता जनार्दन ने इन्हें नकार दिया है। तो ये इन प्रकारें और भ्रम की और झूठ के सहारे की राजनीति के आधार पर ये बैठे हुए हैं, लेकिन देश की जनता, देश का किसान, देश का नौजवान, देश की महिला जान रही है कि सम्माननीय मोदी जी और सम्माननीय योगी जी किस बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने इस विपक्षी दलों की गणित राजनीति को नकार दिया है, जिन्होंने और भारत की जो मूल संस्कृति है उसको भी ये राजनीतिक दल सिरे से नकार रहे हैं, केवल भ्रांति और झूठ फैलाने की राजनीति, क्योंकि लोकशाही में जनता जनार्दन ने इन्हें नकार दिया है। तो ये इन प्रकारें और भ्रम की और झूठ के सहारे की राजनीति के आधार पर ये बैठे हुए हैं, लेकिन देश की जनता, देश का किसान, देश का नौजवान, देश की महिला जान रही है कि सम्माननीय मोदी जी और सम्माननीय योगी जी किस बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने इस विपक्षी दलों की गणित राजनीति को नकार दिया है। धन्यवाद।